Hi everyone, welcome back to my channel. So today I am gonna to discuss about a very important thing is that today's video dedicated to COVID positive and also the recover from the COVID-19. तो जो लोग अभी रिसेंटली ही रिकवर हुए हैं कोविड से या फिर जो लोग अभी भी जंग लड़ रहे हैं कोविड से यानी कि अभी भी कोविड पॉजिटिव है तो उनके लिए सिर्फ ये कोविड से जंग लड़ ली उतना ही काफ़ी नहीं है और आगे जाके भी और भी कैसी इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए यू शुड बी वेरी टेक केयर अबाउट इट. तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका डाइट. तो आपको आपका डाइट जो है वो जैसे ही आप कोविड से रिकवर होते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर और केयरफुल रहना पड़ता है बिकॉज एक डाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोविड से जब भी आप रिकवर होते हैं तो उसके बाद भी आप में कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं. जैसे कि सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है फटिगनेस. आपको बहुत ही ज़्यादा कोविड से रिकवर होने के बाद बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, डिजीनेस, पूरे बॉडी में थकान सी, डलनेस जैसा आपको फील होता है बिकॉज आपकी इम्यूनिटी का जो लेवल है वो बहुत ही लो जा चुका होता है. और साथ ही में आपको कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस है जो आपको कोविड से रिकवर होने के बाद हेल्पफुल होते हैं तो वो सभी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिए ये वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इम्पोर्टेंट थिंग, आप जब भी कोविड से रिकवर होते हैं तो सबसे पहले आपको आपके हाइड्रेशन पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसीलिए आपको डेली 2-3 लीटर जो है आपको वाटर इंटेक करना ही चाहिए और साथ ही में आपको थोड़े थोड़े इंटरवल पे जो भी सीजनल फ्रेश फ्रूट रहते हैं उसके जूसेस पीने चाहिए या फिर आप ORS का सॉल्यूशन जो आता है वो भी पानी में मिला के आप वो भी पी सकते हैं. अदरवाइज आप कोकोनट वाटर है वाटर भी आप ले सकते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल पे बिकॉज जब भी आप कोविड से रिकवर होते हैं तो ऐसे टाइम पे आपके बॉडी में हाइड्रेशन का रहना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. उसके बाद साथ ही में नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है वो है प्रोटीन. तो इसके बाद आपको प्रोटीन जो है वो भी बहुत ही उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है आफ्टर कोविड रिकवरी बिकॉज प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपको जब भी ये कोविड का इन्फेक्शन हुआ होता है आपके बॉडी में तो उससे आपका जो इन्फ्लामेशन की वजह से आपके बॉडी में मसल का वेस्टेज हो जाता है. तो प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपके बॉडी में मसल्स जो है उसको बिल्डअप करता है यानी कि आपकी रिकवरी में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल न्यूट्रिशन है. तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटीन जो है वो दिन भर में आपको ऐसे अरेंज करना है जैसे आप ब्रेकफास्ट में भी आपको प्रोटीन की क्वांटिटी लेनी है साथ में लंच में भी लेनी है साथ में इवनिंग स्नैक में भी आपको प्रोटीन लेना है और साथ में आपको डिनर में भी आपको प्रोटीन जो है वो अच्छी तरह से आपके डाइट में उसको इंक्लूड करना है पूरे डे में. तो पर डे आपको 50-70 ग्राम जितना प्रोटीन जो है वो एटलीस्ट आपको उतनी रिक्वायरमेंट रखनी है आपके डाइट में. तो वही एक अच्छा सबसे सोर्स जो है उसका उसकी अब हम बात कर रहे थे कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं जिसमें से आपको प्रोटीन जो है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाए. तो जो लोग स्पेशली वेजिटेरियन हैं वो लोग के लिए मिल्क है या फिर आप लोग टोफू ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं या फिर सोया से बनी अभी तो कितनी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन. और साथ ही में आप फ्लैक्स सीड्स है, मस्क मेलन सीड्स है तो वो भी आप ले सकते हैं. साथ ही में आपको प्रोटीन जो है वो दाल जो रहती है तो डेली आपको 2 कप जितनी दाल भी साथ में लेनी चाहिए. स्प्राउट्स अगर आपको पसंद है तो आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं तो उसमें से भी आपको अच्छी तरह से प्रोटीन मिलता है. तो दाल, पल्सीज, स्प्राउट्स वो सभी भी ऑल्सो द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन. और साथ ही में जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो वो अपने डाइट में एग है, मीट है और फिश वो भी ले सकते हैं. तो प्रोटीन के साथ साथ आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब की भी ज़रूरत होती है तो आपके बॉडी में बिकॉज बहुत ही ज़्यादा आपको
कोविड के बाद वीकनेस लगती है, तो इसीलिए वो दरमियान आपको बहुत ही ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट भी आपको लेना है जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो, ताकि आपके बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे और आपको थोड़ी सी एनर्जी भी फील हो वो डाइट से। तो आपको प्रोटीन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब भी लेना है, तो वो आपको चपाती, राइस है, ओट्स है या फिर सूजी से बनी सभी चीज़ें हैं, तो उसमें से आपको अच्छी तरह से कार्ब जो है वो मिल जाता है। या फिर आप मिलेट की रोटी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ज्वार बाजरी पसंद है तो उसकी भी रोटी बना के आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप लोगों को कलरफुल वेजिटेबल्स भी लेने हैं, या फिर वेजिटेबल्स के आप सूप्स भी ले सकते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और साथ ही में आपको सीजनल फ्रूट्स भी साथ में लेने ही है। और ये सभी चीज़ों के साथ आपको डेली 2 टेबलस्पून आपको घी जो रहता है, शुद्ध देसी घी, वो आपको आपके डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। डेली आप जो भी आप खाते हैं मॉर्निंग से लेके रात तक, तो उसमें 2 टेबलस्पून घी जो है वो आप आपके डाइट में जरूर इंक्लूड करें, तो उससे आपको हाई एनर्जी भी मिलेगी और वो आपके गट को हील भी करेगा, और साथ ही में वो आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट कर देगा। तो इसीलिए घी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिकवरी में। साथ ही में आप ये सभी चीज़ों का भी आपको साथ में ख्याल रखना है कि आपका खाना जो है वो ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही में कभी कभी पोस्ट कोविड के बाद भी कभी कभी ऐसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही बड़ा मील जो है वो नहीं लेना है, आपको ब्रेक में छोटे छोटे शॉर्ट मील ही आपको लेने हैं, एक साथ में आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है। बिकॉज क्या होता है कि जब भी आपकी कोविड में आप ट्रीटमेंट आपने जो ली होती है हॉस्पिटल में, या फिर आप घर पे अगर क्वारंटाइन होते हैं तो घर पे जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, तो उसमें आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो एंटीबायोटिक की वजह से आपका जो गट जो है वो पूरा, उसमें जो प्रोबैक्टीरिया जो होता है वो कम हो जाते हैं, बैक्टीरिया की क्वांटिटी जो रहती है वो, तो उसके लिए आपका गट का हील होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको डेली आपके डाइट में 2 टेबलस्पून घी जो है वो इंक्लूड करना है, तो घी जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोबायोटिक्स रहते हैं, तो वो आपके गट को हील करने में भी आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो साथ ही में आपको आपका गट का हील करने के लिए आप घी के साथ आपको बटर मिल्क भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, तो आप बटर मिल्क भी आप जितना हो सके उतना आप आपके डाइट में उसको शामिल ज़रूर करें। और आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वो है आपको आपका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस लेवल जो है वो कम करना है, जितना हो सके उतना आपको तनाव में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो जितना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा उतना जल्दी ही आप अच्छी तरह से रिकवर हो पाओगे। और आपको एक चीज़ भी ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपकी नींद जो है वो अच्छी तरह से पूरी होनी चाहिए रात में, और जितना हो सके उतना आपको रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे ही तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए और तुरंत ही आप कोविड से रिकवर हो गए और आपने आपका वर्क जो है वो कुछ ही दिनों में रिज्यूम कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जितना हो सके उतना कोविड से रिकवरी के बाद भी आपको थोड़ा सा रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ भी आपको अच्छी तरह से रिकवरी के टाइम पे ध्यान रखनी है, वो है वेट लॉस, कि आपका वेट लॉस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू शुड बी ईट वेरी हेल्दी डाइट एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वेट ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है कि कोविड से रिकवर होने के बाद आपको कभी कभी ड्राइनेस ऑफ माउथ जैसी आपको फीलिंग होती है, बिकॉज आप जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपने पूरे दिन वो ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है, या फिर आपने बार बार नेब्यूलाइजर भी लिया होता है, तो उसकी वजह से हमारी माउथ की जो अंदर का जो मेम्ब्रेन जो होता है वो ड्राई हो जाता है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस आपको माउथ में फील हो रही है,
तो फिर आप एक नुस्खा अजमा सकते हैं कि जो शुगर फ्री चिंगम आती है वो भी आप मुंह में रख सकते हैं और च्यूइंग कर सकते हैं, ताकि आपकी ड्राइनेस जो है वो भी कम हो जाएगी। या फिर अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा लिक्विड जो है वो आपको आपके डाइट में इंक्लूड करना है, आपके आपको बॉडी को पूरे दिन हाइड्रेट जो है वो बनाए रखना है, ताकि आपको जो भी ये ड्राइनेस की जो आपको जो फीलिंग है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपके आसपास या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है अभी, या फिर अभी रिसेंटली कोविड से रिकवर हो रहे हैं, तो उन लोगों के साथ आप ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और अगर आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Thank you for watching.